तुम में से स्कूल कौन जाता है? स्कूल कौन जाता है? ले ये बस्ता रख, काम में आएगा, है ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस सुबह के 9:30 बज रहे हैं, दुकान खोल चुके हैं और फिलहाल चाय बना रहे हैं। चाय अभी रख दी है मैंने और बाहर आया हूँ व्लॉग की शुरुआत करने के लिए। तो गाइस फैमिली घर पे नहीं है, नानी के वहाँ पर गए हैं भगियापुर, कुछ दिनों में आएंगे, 5-7 दिनों के अंदर आएंगे। बहुत दिनों से जाना जाना कर रहे थे इसलिए वो चले गए हैं, 2-1 दिन हो चुके हैं उनको जाने को। तो गाइस फिलहाल मैं खेत में खड़ा हूँ और कपास थोड़ा बच्चे आवाज़ दे रहे, उधर से देखो हम जा रहे हैं स्कूल, जाओ 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 चलो स्कूल जाओ। तो गाइस कपास ना थोड़ा निकल चुका है और किसान दादा ने वो लेके जा रहे हैं खेत में से, और पानी अभी भी चल रहा है खेत के अंदर। तो बहुत अच्छा हुआ कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, फसलें हमारे अच्छे से आ रही है ना। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो दादा देखो जा रहे कपास लेके, देखो घर जा रही है, देखो ये रहे ये कपास चुन रहे हैं, वहीं पर है वो कपास, थोड़ा थोड़ा आ चुका है, आपको दिखाता हूँ मैं। घेटे इसको बोलते हैं, घेटे, देखो ये रहा कपास, देखो ये सफ़ेद सोना। तो फसलें जो है कि अच्छी खासी हमारे यहाँ पर आ रही है। ये ज़्यादा कड़बी है ना, काट के यहाँ पर लगा दिए, ये मक्की की कड़बी है। यहाँ पर डर भी लगता है, पास में खड़ा हूँ और चप्पल भी नहीं पहन के आया मैं, देखो कहीं जानवर वगैरह पैर में आ सकता है। और ये पानी भी चल रहा है अभी भी खेत में, देखो ये पानी दे रहे हैं, गीलापन है ना, बरसात तो वैसे जा चुकी है। तो गाइस चाय मेरी उकल गई होगी, जाता हूँ अंदर, गेट को लगा देते हैं वापस से ताकि कोई जानवर अंदर ना जाए। टंकी का काम अभी भी अधूरा है, हालांकि अंदर पलिस्तर तो कर दिया है, आपको दिखाते हैं। ये देखो बहुत बड़ी टंकी है, पलिस्तर हो चुका है। ये एक चश्मा पता नहीं बच्चे ने गिरा दिया है, निकालना पड़ेगा। अंदर जाता हूँ और पैर धो लेता हूँ, गैस पैर गंदे हो चुके। तो दोस्तों ये बन रही है मेरी चाय। गैस कभी कभी अपने हाथों से ही काम करना चाहिए। वैसे मैं चाय बना लेता हूँ, खाना भी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, खिचड़ी वगैरह, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भाई के वहाँ पर चले जाता हूँ, पापा के वहाँ चले जाता हूँ। गैस ये चूल्हा है ना बहुत काम का है। अभी देखो मैं कोई स्पीड बढ़ाना रहा ना तो मैं यहाँ से स्पीड बढ़ा सकता हूँ इसकी, लेकिन कम करना रहा तो यहाँ से कम कर सकते हैं 100 पे अगर रखेंगे तो ये ना चाय बाहर नहीं आएगी। चाय बन गई, जब तक मैं क्या करता हूँ तोस ढूंढ लेता हूँ, तोस कहाँ रखे हैं वाइप ने, उल्टा सुलटा काम भी होता है, इसको रख देते हैं, रखते हैं और एक प्लेट ले लेते हैं, ये ले लेते इस तरीके से कुछ। गैस घर में आप देख सकते हो कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा है। यहाँ पर सोता हूँ मैं, रात में कोई मूवी वगैरह देखता हूँ। इधर आप बाहर भी देख लो, दुकान खुल चुके हैं। बच जाते हैं चाय बनना, घुल जाइए। शेर खान ठीक हो? ठीक हो? मेरा नाम फतेह खान है, आपका नाम शेर खान है? अबे अच्छे लग रहे हैं दद्दू, ठीक लग रहा? हैं? 200 रुपये लग गए। 200 लग गए तो अच्छा लग रहा अभी? कल से ठीक है, कल भी ठीक है, आज भी ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है, तबीयत में सुधार हुआ है दद्दू की, इसलिए मैंने बोला शेर खान, क्योंकि शेर खान जैसे लग रहे हैं, है ना? 8 दिन बाद और तगड़े हो जाएंगे। वाह यार, हम भी चाहते हैं कि हो जाए, ताकि मेरे से कुश्ती, फिर कुश्ती लड़ेंगे कि मेरे से कुश्ती लड़ेंगे कि उठा के? हाँ ठीक है ठीक है,
जरूर जरूर। तो क्या सेवा की जाए, पानी, चाय, नाश्ता? रोटी नहीं भारी, खाना नहीं खा रहा ना। सेब खिलाऊं? सेब खिला दूं? मैं लाया है इस एक सेब मेरे लिए रखा था, वाइफ मेरे लिए छोड़ गए थे शायद। ये रहा देखो, ये तो ये जो सेब है ये मैं दद्दू को दे देता हूँ, मैं नहीं खाता। लो चाकू दो कि घर पे खाओगे? दो चाकू कि घर खाओगे? घर खाना है ठीक। तो गाइस इन बच्चों की साइकिल का पंचर जोड़ दिया है। तुम में से स्कूल कौन जाता है? स्कूल कौन जाता है? ले ये बस्ता रख, काम में आएगा, है ना? अच्छा है ना, चलो जाओ। तो दोस्तों वाल लीकेज हो गया था, तो हमने बड़ी मुश्किल से ढक्कन हटाए हैं दो, और अभी पानी अंदर जो है वो खाली कर रहे हैं, और वाइसर बनाए हैं हमने। शुक्रिया दादा, और हमने ये वाइसर बनाए हैं। ये क्या दर्द, क्या कर सकते हैं, बहुत मेहनत है। ये वाल है, क्यों ये वाल तरसाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा जब अपन सीधे रहेंगे। सीधे ऐसा दोनों तरफ लगेंगे? दोनों तरफ वो क्या है कि वहीं का आएगा नहीं, अपन वाल बंद करेंगे जब अपने तरफ जाएगा ना। ऐसे ये क्या वाल फिराना पड़ता है, ये वाल बैठा के बाद में कदम आरो निकलेगा पानी। यहाँ से फेर देते हैं? हाँ, यहाँ से। इसका पाना भी, पाना भी है वो साइकिल पास। हाँ वहाँ साइकिल लगी ना। हाँ, साइकिल लगी है। इसके बोल्ट कहाँ? बोल्ट तो पीछे। हाँ ये रहे। क्या? बोल्ट तो पीछे। वाइसर लग गया, अभी बाहर जाऊँ मैं? जा। बस अब नट कसने का काम है ना। चलो गाइस हम बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, अब जाके ये वाइसर लगे, अब सिर्फ नट कसने का बाग। अभी मिलाना पड़ेगा नहीं, बहुत देर हो गई हमको काम करते करते। इतना काम बाकी है कि सिगरा दादा कर लेंगे, सिर्फ नट कसना है। अभी मैं जाता हूँ, फ्रेश फ्रेश होता हूँ। मैं भी दिन भर धूप में पागल हो चुका हूँ, घबरा गया, गर्मी बहुत हो रही है। अंधेरा हो चुका है और नल भी आ चुके हैं, और अच्छे से पानी आया। दो तीन दिन से पानी अच्छे से नहीं आ रहा था, पानी वहाँ पर लीकेज हो गया था ना, बहुत पानी ढूंढ रहा था, इसलिए आज हमने ये काम किया है। और सिकरा दादा अकेले काम कर रहे थे, इसलिए मैं भी चले गया उनके पास में। उनका नाम सिकरिया है, मतलब वो इसी मंडल में काम करते, कौन सा ये जल विभाग में काम करते हैं वो, और नल वल छोड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ। कोई आइट साइड वाला नहीं आया, लेकिन मैं चले गया था। तो ज़रूरी है एक दूसरे की हेल्प करना भी बहुत ज़रूरी है, और अब अच्छे से पानी आ रहा है। तो भाई इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय, गुड नाइट।